नगर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम भड़गोन में पानी की समस्या को लेकर ग्रामवासियों ने सुनाई अपनी आपबीती। नहाने का पानी तो दूर, पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। हम लोग 3 महीने से नलों में न पानी की बूंद आ रही है। सरपंच सचिव समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं। सचिव कई महीनों से पंचायत भवन नहीं पहुंचा। खबर करने पर भी समस्या का समाधान नहीं किया। ग्रामीणों के सवाल पूछने पर सचिव द्वारा अभद्र तरीके से जवाब दिया जाता है। ग्रामीणों को पीने के पानी लेने के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। खेतों से पानी लेने के दौरान खेत मालिक मोटर भी बंद कर दिया करते हैं, जिससे उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े सभी अपनी व्यवस्था के अनुसार पानी का जुगाड़ करने में जुट जाते हैं। सरकार द्वारा पानी की व्यवस्था के लिए कई उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका फायदा इस गांव में तो देखने को ही नहीं मिला। नल जल योजना का काम भी अधूरा पड़ा है। जानवरों के पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आकर महिलाओं और पुरुषों ने अपनी समस्या हमें बताई। आखिर जिम्मेदार कब तक मौन रहेंगे? कौन इनकी समस्याओं का समाधान करेगा? पानसेमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। ग्राम भड़गोन में पानी की समस्या है। 2 मोटर पर्याप्त है, लेकिन भील बस्ती में पानी नहीं पहुंच पाता सचिव की लापरवाही के कारण। कौन है सचिव? मोहन सोनी। आते हैं कभी यहाँ पे? नहीं आता है। आपने समस्या के बारे में? मैं कई बार उसको फोन लगा के कहा कि भाई हमारे भील बस्ती में पानी नहीं पहुंच रहा है, तू मोटर की व्यवस्था कर दे, तो मोटर नहीं दिला रहा वो। हम सब चाहते हैं कि मोटर की व्यवस्था कर दे सचिव, इनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तात्कालिक। तत्काल आज के आज मोटर दिला दे वो, तो मोटर नहीं दिला रहा, सचिव लापरवाही कर रहा है। मेरे को ग्राम भड़गोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को काम नहीं करना, ऐसा जवाब देता, अभद्र व्यवहार देता है वो। अभद्र व्यवहार, जवाब सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार करा उसने। सर, ग्राम पंचायत भड़गोन में जैसे कि विगत 3 माह से पानी की समस्या आ रही है, इसलिए हमने सरपंच, सचिव, सहायक सचिव इनको कई बार अवगत कराया, बाकायदा इनको मुखाय वारदात पे भी लाया गया है। बाकी ये लोग अभी तक कोई सुनवाई नहीं करती। सचिव द्वारा बताया जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ग्राम पंचायत के आपके जो सरपंच है आप जानो और आपका गांव वाले जाने। सरपंच बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद में सहायक सचिव को भी बताया गया, सहायक सचिव बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम गांव वाले इस समस्या को लेकर जाए तो कहां जाएं? कितने समय से समस्या है? ये 2-2.5 महीने से हो गए। तो और पानी की व्यवस्था आप लोग कैसे कर रहे हैं? अभी जैसे गांव के बाहर सब खेतों से 2-2.5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। कोई अभी ठीक है, जिसके पास बाइक है वो लेके आ जाते हैं, लेकिन जो आदिवासी मोहल्ला है, जो भैया है, बच्चों को लेके इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर जाते हुए और लेके आते हैं। पानी मिल जाता है वहाँ पे? वहाँ क्या, अभी एक दिन हो तो कोई भी देगा, सामने वालों की फसल लगी है, वो लोग ठीक है, एक लोग आदमी जाएगा, दो जाएगा, बाकी इतने लोगों को वो भी खेत में आने नहीं देते हैं। आपका नाम क्या है भैया? भरत जाधव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।